अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 नाइन्थ लेवल पर मैथमेटिक्स और फेडरल बोर्ड से रिलेटेड की मैथ्स है। तो स्टार्ट लेते हैं। पाकिस्तान भर में ये बुक फेडरल लेवल पर फेडरल बोर्ड से रिलेटेड पढ़ाई जाती है और दूसरे कंट्रीज में भी जहाँ पाकिस्तान की एजुकेशन यानी फेडरल बोर्ड से रिलेटेड पढ़ाई जा रही है उसमें हमारे पास सिंपल सेम यही बुक है। आगा खान बोर्ड में भी यही बुक यूज़ की जा रही है। तो इसका पहला क्वेश्चन है 2.5 एक्सरसाइज का, जिसमें कहा जा रहा है एवटा की पावर 7 दी गई है, हमें एवेल्युएट करना है, ख़त्म करना है जितना हो सकता है। तो देखें कि आयोटा की पावर जो 7 थी इसको दो हिस्सों में हमने तोड़ दिया। कैसे तोड़ेंगे कि 6 पावर और 1 पावर, 6 प्लस 1 7 होता है सिंपल, देन एक आयोटा पावर 6 आ जाएगी जबकि दूसरे आयोटा पर पावर 1 आ जाएगी, इसे इंडिकेट नहीं करेंगे। अब आयोटा की पावर 6 जो है उसे भी पावर को ब्रेक करा दो हिस्सों में, एक 2 और एक 3, यानी 2 इंटू 3 से 6 आता है, 2 3 6, तो 2 अंदर होगा और पावर 3 बाहर रख लेंगे। मेन अंदर रखने की 2 का जो मेन मकसद है वो ये है कि आयोटा स्क्वायर हमें पता है वो इक्वल होता है माइनस 1 के, ठीक है जी। तो आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 आ जाएगा, राइज टू पावर 3 रहेगी, ये आयोटा सेम आंसर तक इस तरह से ही चलता रहेगा। अच्छा जी, आयोटा तक ये सेम चलता रहेगा, माइनस 1 की पावर जब 3 आई तो 3 एक ऑड नंबर है जो कि 2 की टेबल में नहीं आता, इसलिए जब ऑड पावर आती है माइनस के सिंबल के ऊपर, माइनस के साइन के ऊपर, ठीक है, तो वो माइनस रिमेनिंग बचेगा, ठीक, तो इसलिए माइनस का आयोटा हमारा फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, आयोटा की पावर 50 थी, तो 52 की टेबल में आता है, सिर्फ 2 से हम देखेंगे, चेक करेंगे 2 से क्यों चेक कर रहे हैं, बात वही है कि आयोटा स्क्वायर को माइनस 1 के इक्वल करना है। तो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल सा कि आयोटा की पावर जो 50 है उसे ऐसे तोड़ दिया 2 इंटू 25 ऊपर लिखना है, 2 नीचे लिखना है, यानी आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 लिख देंगे नेक्स्ट टाइम में, 25 पावर सेम एज इट इज रहेगी। अब माइनस के ऊपर 25 पावर है, 1 को तो कुछ भी पावर दे दें 1 ही रहता है, लेकिन माइनस के ऊपर जो 25 एक ऑड नंबर है, यानी 2 की टेबल में नहीं आता, ऑड नंबर होने की वजह से ये माइनस रिमेनिंग बचेगा और 1 के साथ माइनस आएगा, फाइनल आंसर हमारा माइनस 1 बन जाएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, आयोटा की पावर माइनस 12 है, सॉरी 12 को ब्रैक कर देंगे तो 2 की टेबल में 2 6 12 आता है, 2 अंदर 6 बाहर, 6 ऊपर ही रखा, आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 आ गया और माइनस 1 की जब 6 पावर होगी तो उसे हम प्लस बना देंगे, यानी 6 जो है वो इवन नंबर है।